ते खातो, असे असे फोटो लागलेले आहेत, असे असे बाळासाहेबांच्या बरोबर चेहरा बघितला का, पोटात कळल्यासारखा चेहरा आहे, लगेच जायचं आहे मला, असा चेहरा आहे, असा असा। अरे बाळासाहेबांबरोबर तुम्ही जे फोटो लावताय, असे आमचं पण कधी हिंमत नाही झाली ना, उद्धव ठाकरेंची हिंमत झाली, आम्ही कधी असे फोटो आमचे लावले नाही। आम्ही शिवसेनेचे मालक नाही आहोत, आम्ही शिवसेनेचे विश्वस्त आहोत, वी आर ट्रस्टीज ऑफ द पार्टी, हां, फॉर्म बाय बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेल्या पार्टीचे आम्ही विश्वस्त आहोत, ट्रस्टी आहोत, मालक नाही, लक्षात घ्या। अशी फडफड फडफड दाखवली आहे ना, ही फडफड शेवटची आहे तुमची, तुमचा पुढला दसरा मेळावा होणार नाही, जो काय आहे तोही डुप्लिकेट लोक आहेत, हा डुप्लिकेट मेळावा। दसरे का रैली शिवसेना की शिवाजी पार्क में हो रही है, शिवसेना एक ही है। बाळासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे शिवसेना स्थापन होने के बाद लगभग 220 सेनाएं निकली अलग अलग, लेकिन दो ही सेनाएं रही, एक भारत की सेना जो सीमा पर है और एक शिवसेना है। ऐसी बहुत सी सेनाएं आई और चली गई, कभी एक साल रही, कोई 6 महीने रही, कोई आई और चली गई, हवा का झोंका आता है और चला जाता है। तो ये दूसरा मेलावा मेलावा नहीं है, ये बेईमानों का एक गढ़ है, पैसा है। जब भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी मेलावा वगैरह कुछ नहीं होगा दसरे का। सर, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है ना, जिनके पास मर्दान की नहीं होती वो ज़्यादा प्याज खाते हैं और दिखाते हैं मर्द है, ऐसे लोग हैं ये, इसलिए तो प्याज थोड़े महंगे हो गए, कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं। सर, आरएसएस से मनने है मोहन भागवत, उन्होंने अभी सुबह सुबह साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, जो अपोज कर रहे हैं सारी चीजों को, देश में जो भी होता है उनको अपोज किया जाता है, और मणिपुर के जो वायलेंस है वो किसने घड़ाए, ये जो है वो सरकार। एक साल से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जो गाजा में हुआ है वही मणिपुर में हुआ है, कत्लेआम हुई लोगों की वहाँ। दूसरी बात है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया है, और हमारी जो सरकार है केंद्र की, मोहनराव भागवत जी के आशीर्वाद से चल रही है आरएसएस, वो सरकार मणिपुर से भाग गई। उस बारे में आप बोलिए, मणिपुर में आप बोलते हो तो लड़ाक के बारे में बोलिए, मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है सबको मालूम है, इसलिए सरकार चुप बैठी है। लद्दाख में चीनी सेना घुस गई है सबको मालूम है, वहाँ उस लद्दाख के ऊपर ना आरएसएस के सरसंघ चालक साहब हमारे बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं। जो राजनीतिक फायदे वाली बात है उसके ऊपर आप बात करते हैं, जो आपके फायदे की बात नहीं है उसके ऊपर आप चुप बैठते हो। आज दशहरा है, एक पवित्र दिन है, आज सभी ने सच बोलना चाहिए और राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। म्हणजे कोण, मोहनराव भागवत हे लोकशाही मानत नाहीत का? सरसंघ चालकांना आम्ही लोकशाहीचे एक संरक्षक मानतो, या देशामध्ये भिन्न विचाराच्या लोकांनी एकत्र येऊ नये का? मोहनराव भागवत यांना सांगू इच्छितो की बाळासाहेब देवरा सरसंघ चालक हे तुरुंगात होते आणीबाणीच्या काळामध्ये, आणि तेव्हाही भिन्न विचाराचे लोक एकत्र आले, त्यात भारतीय जनता पक्षही होता, आणि त्या भिन्न विचाराच्या लोकांनी येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि त्यांनी हुकुमशाहीचा पराभव केला। आता हे मी मोहनराव भागवत त्यांना सांगण्याची गरज नाही, बहुधा त्यांना हा इतिहास माहीत असावा, नसेल तर लालकृष्ण अडवाणी हे सुद्धा आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात होते, त्यांच्या पुस्तकात या सगळ्या घटना आणि घडामोडी आहेत,
ये पुस्तक में मोहनराव भागवत साहब ने पाठन दिया। सर अभी फिलहाल जो है हीरानंद अंदानी और भुया मुत्ता के केस में हीरानंद अंदानी खुद सामने आके ये बात कह रहे हैं कि हाँ मेरे जो है वो जो संबंध थे वो भुया मुत्ता के साथ थे दोस्ती के तौर पर, उस वजह से जो पार्लियामेंट में बात चली। तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जानकारी लूंगा और बात करूंगा। सर हिंदी में जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी आपने मराठी में कहा मोहन भागवत जी के बारे में भिन्न विचारों के लिए क्या है के राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस तरह से किया। अगर मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं है। भिन्न विचार के लोग अगर इंडिया ग्रुप में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो मोहनराव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। अगर भिन्न विचारों की बात मोहनराव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है। इमरजेंसी में सरसंघ चालक उस वक्त के बाला साहब देवरस जेल में बंद थे, सभी भिन्न विचारों के लोग ही जेल में बंद थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ये भिन्न विचारों के लोगों ने एक साथ आकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और तानाशाही का पराभव किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है ये इतिहास भिन्न विचारों के लोगों का, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, लालकृष्ण आडवाणी अभी भी जीवित है, लालकृष्ण आडवाणी जी भी जेल में रहे, अटल जी भी जेल में रहे, जनसंघ के बड़े बड़े नेता उस वक्त जेल में रहे, उनके साथ भिन्न विचारों के लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, ऐसे सभी मोरारजी भाई देसाई सभी जेल में रहे, सब भिन्न विचारों के लोग थे और देश बचाने के लिए एक साथ आकर इंदिरा जी का पराभव किया था। अब ये मोहन जी को, मोहन भागवत साहब को ये बताने की हमें नौबत आ रही है, इस देश का दुर्दैव है। तो मराठा आरक्षण को लेके आज आखिरी दिन जो जो मुख्यमंत्री ने कहा था, तो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है क्या, किस तरह से देखते? मैं नहीं देखूंगा, मुख्यमंत्री ने देखना चाहिए। मैं क्या देखूंगा, मुख्यमंत्री के पूरे महाराष्ट्र में जो पोस्टर लगे हैं वो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जो पोस्टर लगे हैं ना बाला साहब के साथ, तो बाला साहब भी देख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी खुद देख रहे हैं हर पोस्टर से। जब जनता सड़क पर उतरेगी पूरे गांव गांव में, तब उनकी आँख बंद हो जाएंगी। 24 तारीख का अल्टीमेटम होता संपलेला आहे, काय वाटतं सरकारने निर्णय घ्यावा तो घेईल का सरकार? सरकार कसं निर्णय घेईल, सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमताच नाही आहे। जसं आता प्रश्न विचारला की याकडे आपण कसं बघतो, बोला आम्ही कशा करता पाहायला पाहिजे, संपूर्ण महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांचे असे असे उडणारे पोस्टर लागले आहेत ना बाळासाहेबांच्या बरोबर, तर प्रत्येक पोस्टरमधून ते बघतायत काय होतं आहे काय नाही ते, पण ते काय बघणार? आज मुदत संपलेली आहे, त्याने आश्वासन दिलेलं आहे, आज दसरा आहे, दसऱ्याच्या निमित्तानं आज 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे, त्याने घोषणा करावी। संभाजी भिडे म्हणतात नेत्यापासून जनता देखील पालते असं संभाजी भिडे म्हणतात, की बीजेपी कार्यकर्ता तोडफोड कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के ऊपर मंत्री के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने देखा कैडर जो था, आप भारतीय जनता पार्टी में अब कैडर नहीं बचा है, न विचार बचा है, वहाँ सत्ता का खेल चलता है और चलता रहेगा। हमने देखे है बीजेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी हमेशा रही है, सत्ता की भूखी कभी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हो या मध्य प्रदेश में हो तोड़ फोड़ करके जो सरकारें बनाई जाती है, अब वो कैडर बेस्ड पार्टी विचारों वाली पार्टी नहीं है। चलिए थैंक यू।